ओडिशा के इसी जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। मजदूर रेलवे के काम में जुटे थे तभी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगी। कुछ मजदूर बारिश से बचने के लिए ट्रैक पर खड़ी इसी मालगाड़ी की एक बोगी के नीचे छिप गए, लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि मालगाड़ी की बोगी अचानक अपनी जगह से खिसकी और उसी दौरान बोगी के नीचे शरण लिए 6 मजदूरों की कटकर मौत हो गई जबकि 2 मजदूर घायल है और वैगन के नीचे अनफॉर्चुनेटली ये चले गए हैं शेल्टर लेने के लिए। जब हवा आई है तो फिर ये रेक थोड़ा सा जब मूव किया है, थोड़ा सा रोल करने लगा है, उसमें ये लोग निकलने की कोशिश किए हैं और निकलते ही वो रन ओवर हो गया है। हादसे की अब उच्च स्तरीय जांच हो रही है पर इलाके के कुछ लोग रेल विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मालगाड़ी की बोगियों को रेलवे अधिकारियों ने क्यों लॉक करके नहीं रखा। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के 5 दिन बाद प्रदेश में ये बड़ा हादसा हुआ और जो भी इस हादसे के बारे में सुन रहा है वो हैरान हो रहा है।